Hi friends, good morning. This is Harbir and welcome to your own study channel Learn Easy with Harbir Singh. Guys, जैसा कि आप जानते हैं कि KVS का एग्ज़ाम 22 को हुआ था और इंग्लिश की जो आंसर की है मैं आपको बताने वाला हूँ. सो यू कैन सी हियर इज़ फर्स्ट क्वेश्चन. तो अभी आप अपनी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे. तो पहला क्वेश्चन है, चूज द वर्ड मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड फैक्ट. इसका मतलब है कि फैक्ट का आपको अपोजिट बताना है. तो फैक्ट आपको पता होगा, तो फैक्ट का यहां पे क्या होगा, फिक्शन. फैक्ट का फिक्शन होगा. हालांकि काफी स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे इमेजिनेशन, लेकिन इमेजिनेशन क्या है, गलत है. यहां पे जो करेक्ट होगा वो क्या होगा, फिक्शन होगा. फैक्ट का होगा फिक्शन. इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, द हेडमास्टर ब्लैंक स्पीक टू यू. द हेडमास्टर ब्लैंक टू स्पीक टू यू. तो इसमें क्या करना है, करेक्ट फॉर्म भरनी है. आप देख सकते हैं ऊपर, इसमें करेक्ट फॉर्म भरनी है. और करेक्ट फॉर्म क्या होगी यहाँ पे, व्हाट्स. क्योंकि अगर आप इनमें से कोई भी फिल करके देखेंगे तो सेंस नहीं निकलेगा. और ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट का, और द हेडमास्टर ये क्या है, सिंगुलर है. तो यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, वॉन्ट्स. द हेडमास्टर वॉन्ट्स टू स्पीक टू यू. इसके बाद नेक्स्ट है, ये भी बहुत ही सिंपल सेंटेंस है. इसमें आप देख पा रहे होंगे, ही ब्लैंक फॉर 5 आवर्स. आपको पता होगा जो एक परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है उसमें क्या होता है, सिंस फॉर का यूज होता है. और ये जो टाइम दिया होता है सिंस फॉर, तो वहां पे कौन सा टेंस आप यूज करेंगे. यहां पे आप देख रहे हैं, हैज बीन स्लीपिंग, मस्ट हैड बीन स्लीपिंग, वॉज स्लीपिंग, हैड स्लेप्ट. इनमें से कोई सा भी जो ये सेकेंड थर्ड और फोर्थ है ये सारे गलत है. इनमें जो करेक्ट होगा, हैज बीन स्लीपिंग. तो यहां पे क्या आएगा, ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स, कि वो 5 घंटे से सो रहा है. इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. तो अभी आप देख पा रहे होंगे 4 और 5 में क्या करना है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शंस. मतलब इंप्रूव करना है सेंटेंस. मतलब यहाँ पे जो लाइन दे रखी है, अंडरलाइन सेंटेंस है, तो किसी दूसरी सेंटेंस की सहायता से वो इम्प्रूव करना है. मतलब इस सिमिलर लेना आपको. तो आई शैल हैव मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग योर काइंड इनविटेशन टू डिनर. आई शैल हैव मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग योर काइंड इनविटेशन टू डिनर. आप इसमें देखेंगे कैंट हैव मच प्लेजर, यहाँ तो ऐसी बात ही नहीं हो रही. यहाँ पे बात हो रही है कि प्लीजर होगा, मुझे खुशी होगी. आई एम हैविंग मच प्लीजर, ये भी सेंस नहीं बैठेगा. आई मे हैव, इसका मतलब है कि संभावना है, लेकिन बात हो रही है कि मुझे बहुत खुशी होगी. तो आई हैव मच प्लीजर, यहाँ पे ये करेक्ट होगा. आई हैव मच प्लीजर इन एक्सेप्टिंग योर काइंड इन्विटेशन टू डिनर. इसके बाद है, नो सूनर डिड द पुलिस अराइव Then the robbers made good their escape. Guys, मैं आपको बता देता हूं, no sooner अगर आता है सेंटेंस में तो उसके साथ आपको क्या करना है, had का यूज करना है. अगर आपने रूल पढ़ा हो आप देख सकते हैं, no sooner had the police arrived. इसका मतलब है जैसे ही पुलिस आई. no sooner अगर आता है, no sooner had, और इसका जो मीनिंग निकलेगा वो क्या होगा, कि जैसे ही पुलिस आई जो रोबर्स थे वो भाग निकले. तो यहां पे क्या आएगा, नो सूनर हैड द पुलिस अराइव. इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इधर आप देख पा रहे होंगे सेंटेंस है, सॉरी इसमें आप देखेंगे, द idiom गिवन बिलो इज फॉलोड बाय 4 possible meaning, चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो इनमें से आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको idiom दे रखी है, तो आपको इसका क्या निकालना है, मतलब पॉसिबल मीनिंग निकालना कि इसका मीनिंग क्या है. तो बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है इरेगुलरली.
जो अदर फोर थ्री हैं ये आपके रॉन्ग हैं, तो इरेगुलरली आपका करेक्ट होगा बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। इसके बाद है सेवन्थ और एट, आप देख सकते हैं यहाँ पे है इन द फॉलोइंग सेंटेंस आउट ऑफ द गिवन ऑल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड। मतलब सुपरफिशियल का जो मीनिंग है वो क्या हो सकता है इनमें से, तो इनमें से आप एक्सीलेंट देखेंगे, एक्सेसिव देखेंगे, अननेचुरल देखेंगे, तो ये और नहीं मिलेंगे, तो आपका होगा सेलो। सेलो आपका इसमें करेक्ट होगा। इसके बाद है एट, एट ने क्या करना है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस वन पार्ट में हैव एन एरर, चूज द वन विच हैज द एरर इफ एनी। कि इनमें से किसी एक पार्ट में एरर है, फोर पार्ट दे रखे हैं, तो कौन से पार्ट में एरर है, अगर है तो आप बताइए। तो इट इज हाई टाइम दैट वी सेंड द आंसर टू दिस क्वेरी। तो गाइस आप ध्यान रखें, इट इज हाई टाइम अगर आता है तो आप क्या यूज करेंगे। इसके बाद में सेकंड जो पार्ट होगा दैट वी सेंड, यहाँ पे जो ये सेकंड है इसमें क्या आएगा, सेंट का यूज होगा, मतलब सेकंड फॉर्म का यूज होता है। इट इज हाई टाइम दैट वी सेंट, और इट इज हाई टाइम का मतलब क्या होता है कि बहुत टाइम हो गया है, या मतलब बहुत टाइम के बाद, आप ये ध्यान रखें, इट इज हाई टाइम मतलब बहुत टाइम के बाद या बहुत टाइम हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, सेकंड फॉर्म का यूज होता है। ये कुछ ऐसे फिक्स होते हैं, इट इज हाई टाइम इसके बाद सेकंड फॉर्म आएगी, और इसके बाद है ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का आपको क्या करना है, इन द फॉलोइंग, सॉरी आप पढ़ सकते हैं एक बार, इन द फॉलोइंग आइटम्स अ वर्ड इज फॉलोड बाय फोर एक्सप्लेनेटरी एक्सप्रेशंस, चूज द एक्सप्रेशन विच बेस्ट डिस्क्राइब द वर्ड। तो ऑर्थोडॉक्स का क्या बनेगा, वन हु होल्ड्स एस्टेब्लिश्ड ओपिनियंस। तो इसमें जो करेक्ट होगा, ये थ्री करेक्ट होगा इसमें, वन हु होल्ड्स एस्टेब्लिश्ड ओपिनियंस, इसका मतलब होता है रूढ़िवादी। तो रूढ़िवादी के लिए होता है वन हु होल्ड्स एस्टेब्लिश्ड ओपिनियंस, कि जो एस्टेब्लिश्ड ओपिनियंस हैं उनको ही माने। इसके बाद है आप देख सकते हैं टेंथ है, तो टेंथ का जो इसमें होगा स्टेटमेंट दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर। एक्सप्लिक का मतलब बनेगा स्टेटमेंट दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर। सो गाइस आई होप यू वुड अंडरस्टैंड इट, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। एंड इफ यू लाइक इट देन श्योर कमेंट एंड लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सो गाइस थैंक्स टू वॉच दिस, आई एम हरबीर, यू आर वॉचिंग योर ऑन स्टडी चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह। सो थैंक्स।